जय जीवदानी। कैसा जाएगा मई का महीना, मई का महीना आप सभी को जानने के लिए उत्सुक होंगे आप। इंसान हमेशा अपने भविष्य की जानने के लिए उत्सुक रहता है, और जो वर्तमान है उसमें अगर वो कर्म करता रहे तो उसका भविष्य सुधर जाता है। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा आपका मई महीना। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता रही हूँ सारी जो घटनाएं हो रही हैं मई महीने में, जो के पंचांग के अनुसार हैं एस्ट्रोलॉजिकल बाद में, और पहले मैं बता रही हूँ व्रत और त्योहार। इसके अलावा उसके बाद मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं बताऊंगी, उसके बाद आपको ये महीना कैसा जाएगा इसके लिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा इस विषय में बताऊंगी, और अंत में मैं बताऊंगी कि उपाय क्या करने चाहिए इस महीने में। अगर आपको सिर्फ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा ये देखना है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे चल के मेष से लेके मीन राशि देख लीजिए। लेकिन जब मीमांसा होती है किसी चीज की और बताया जाता है कि क्या असर होता है, तो उसका जो प्रैक्टिकलिटी में जो असर होता है वो शुरुआत में बताया जाता है, इसलिए शुरुआत का वीडियो देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए YouTube/Beauty with Astrology से मैं कामिनी खन्ना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/Beauty with Astrology में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। ये जो राशिफल मैं बताऊंगी ये लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए 1 तारीख से ही मई महीने की घटनाएं शुरू हो रही हैं। 1 तारीख को मोहिनी एकादशी है, एकादशी के व्रत की आप सबको बधाइयां। महाराष्ट्र दिवस है, महाराष्ट्र दिन है, कामगार दिन है, सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं और बधाइयां। 3 तारीख को है मासिक प्रदोष, शिव जी का ये व्रत रखा जाता है बच्चों की भलाई के लिए, तो वो भी आप रख के कभी देखिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके बाद 4 तारीख को श्री नृसिंह जयंती है, और उसी दिन पूर्णमासी रात्रि 11:43 पर लग जाएगी, और इसी दिन जो है, और इसके बाद 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध के जितने अनुयायी हैं, या मैं भी मानती हूँ बुद्ध महाराज की टेक्निक को, विपासना को, तो मैं सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। बुद्ध महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसी दिन वैशाख स्नान समाप्ति हो जाएगी और छाया कल्प चंद्र ग्रहण लगेगा। ये छाया कल्प चंद्र ग्रहण जो है इस दिन, उसका टाइम, उसके विषय में मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव, इसका आपको मैं डिफरेंट वीडियो दूंगी। लेकिन पूर्णिमा समाप्ति रात्रि 11:03 पर हो रही है। 6 तारीख को नारद जयंती है, 8 तारीख को संकष्टी चतुर्थी, संकट चौथ गणेश जी का व्रत है, जो कि महीने में एक बार रखने से कहा जाता है कि महीना भर कोई संकट नहीं आता, तो ये चंद्रोदय होने के बाद चंद्र को देखकर व्रत खोला जाता है। रात को 9:54 ये चंद्रमा उदित होने वाले हैं और आप चंद्र देख के व्रत खोल सकते हैं। 12 तारीख को मासिक कालाष्टमी है, सब बात नए महीने की हो रही है, याद रखिएगा। और 15 तारीख को अपरा एकादशी है, फिर एक बार एकादशी की मैं आप सभी भाई बहनों को देती हूँ शुभ मंगल कामनाएं। 17 तारीख को मासिक प्रदोष है, फिर से मासिक शिवरात्रि भी है। 18 तारीख को अमावस्या रात्रि 9:42 के बाद लग जाएगी, और यही अमावस्या दर्श भावुक अमावस्या कहलाएगी। 19 तारीख को शनिश्चर जयंती है, शनि महाराज के जितने भक्त हैं उनको खूब सारी ढेर सारी बधाइयां। अमावस्या समाप्ति रात्रि 9:52 पर हो जाएगी। 20 तारीख को गंगा दशहरा रंभ हो जाएगा। 23 तारीख को विनायक चतुर्थी है, गणेश जी की जय बोलते हुए विनायक चतुर्थी मनाइएगा। ये 25 तारीख को जो है गुरु पुष्यामृत योग है इस महीने में, तो आपको कोई नए काम की शुरुआत करनी हो तो आप पैसा निकाल के रख सकते हैं, भले ही आगे आने वाले समय में आपको नए काम की शुरुआत करनी है तब भी पैसा निकाल के रख सकते हैं। ये गुरु पुष्यामृत योग जो है ये सूर्योदय से लगेगा, 5:52 पर खत्म होगा, तो पूरा लगभग पूरा दिन है। कुछ पैसे निकाल के मंदिर में रख लीजिएगा, फिर आने वाले कामों में थोड़े थोड़े पैसे यूज कीजिएगा। 28 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, तो मासिक दुर्गाष्टमी में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं माँ को मनाने के लिए। और 29 तारीख को महेश नवमी है, और साथ साथ में हम ये भी जान लें कि इसी समय गंगा दशहरा की समाप्ति हो जाएगी। तो
अब हम जाने एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां के क्या क्या घटित होने वाला है ग्रहों के साथ में। तो ग्रहों के साथ कुछ यूं घटित हो रहा है, 2 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसका अलग से वीडियो मैं कामिनी खन्ना आपको प्रोवाइड करूंगी। 10 तारीख को बुध उदित हो जाएंगे पूर्व में, और इसी दिन 10 तारीख को मंगल नीच के हो रहे हैं, मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसका भी वीडियो मैं कामिनी खन्ना आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी। इसी दिन 11 तारीख को सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 तारीख को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, इन दोनों चीजों का वीडियो भी मैं कामिनी खन्ना आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी। 25 तारीख को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे, तो आप जानते हैं कि सूर्य के जितनी मूवमेंट्स होती हैं और सूर्य के जो नक्षत्र बदलते हैं सबका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलता है। 30 तारीख को शुक्र जो है कर्क में चले जाएंगे, तो इस महीने में आपको जो है ये 3 ग्रहों की जो हलचल नजर आएगी, शुक्र मंगल और सूर्य, ये तीनों चेंज होने वाले हैं और इसका समाज पर बहुत असर होगा। लेकिन मिड में आएंगे मंगल 10 तारीख के करीब, शुक्र शुरुआत में मिथुन के होने वाले, बहुत अच्छी खबर है। और सूर्य भी मिड में आएंगे 15 तारीख को, जो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो शनि की दृष्टि से उनका छुटकारा हो जाएगा और साथ साथ राहु के चंगुल से भी उनका छुटकारा होगा। तो ये सिंह लगन वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, शुक्र का मिथुन में जाना, मिथुन लगन, कन्या लगन, वृषभ लगन और तुला लगन वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और इसके अलावा भी हम जब बात करते हैं मंगल का कर्क में जाना, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खुशखबर है। भले ही मंगल के जो मेष और वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो अभी अस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि नीच का मंगल हो जाएगा 10 तारीख के बाद। एनीवे मैं सभी के उपाय बताने वाली हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी, तो उपाय आप सुन भी सकते हैं। इस वीडियो के अंत में उपाय जरूर सुनिएगा, साथ साथ में भी कुछ उपाय बताती जाऊंगी मैं राशियों के साथ। 19 तारीख को जो है 1:34 दोपहर को चंद्रमा उच्च के होने वाले हैं, तो मैं ये तारीखें चंद्रमा की इसलिए बताया करती हूँ आप लोगों को, स्पेकुलेशन करने वाले, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करने वाले, और जो लोग पैसों से रिलेटेड व्यवहार करते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करते हैं, तो उच्च के चंद्रमा उनके बहुत काम आते हैं। ऐसे में 19, 20 और 21 आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, 19, 20, 21 मई और 24, 25, 26 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे, तो ये भी जानने लायक बात है कि चंद्रमा स्वग्रही हुए तो क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर। यहाँ मैं ये बोलना नहीं भूलूंगी कि चंद्रमा जो है राहु के साथ कब रहेंगे और चंद्रमा शनि के साथ कब रहेंगे, तो चंद्र शनि विषयोग बनेगा और चंद्र राहु ग्रहण योग बनेगा, तो वो भी तारीखें मुझसे जान लीजिए। तो 13-14 मई चंद्र शनि विषयोग बनेगा, और साथ में ये तारीख मैं आपको और भी बता रही हूँ, 17-18 मई और साथ में 19 तारीख की दोपहर 1:34 तक जो है राहु के साथ ग्रहण योग बनेगा चंद्रमा का। तो चलिए, हमने ग्रह नक्षत्र व्रत त्योहार सबके विषय में अब जान लिया है, शुरुआत करते हैं अब हम मेष से लेकर मीन राशि पर इस महीने के ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव। विशेषता मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, सभी के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल क्या हरकतें होंगी ये आपको अभी बताऊंगी। मेष लग्न मध्य तक 10 तारीख तक आपके लग्नेश जो है वो तृतीय भाव में स्थान बली रहेंगे, इससे आपका होश, आपका पराक्रम, उत्साह बना रहेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी और आप कुछ कार्य जो है उत्साह से कर भी पाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव रहेगा और यात्राओं में अपना खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्किन से रिलेटेड समस्याएं या सर्दी जुकाम इससे बचना पड़ेगा। और ये मंगल जब चतुर्थ में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो वैसे भी स्थान बली नहीं रहे और वैसे भी नीच के हो गए, तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, तो मंगल के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब वृषभ राशि से शुक्र निकलकर महीने की शुरुआत में ही मिथुन में आकर आपको बहुत सारा फायदा देते हैं, सप्तम भाव से रिलेटेड और फायदा देते हैं धन, धन स्थान से रिलेटेड, परिवार की मदद से धन आएगा, बोलने चालने की भाषा से धन आएगा, विवाहित जीवन में सपोर्ट मिलेगा, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, यात्राएं मजेदार, शुभ और एंजॉयमेंट वाली रहेंगी और साथ साथ आपको जो भी मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड काम करने हैं वो भी बनते नजर आते हैं।
गुरु सूर्य राहु और बुध की पोजीशन जो लग्न में बनी हुई है, चतुर्ग्रही योग ये जो है इसमें से सूर्य आगे खसक जाएंगे 15 तारीख को और मुक्त तो हो जाएंगे शनि के और राहु के चंगुल से, जिससे आपका माइंड फिर से फ्रेश तो हो जाएगा, लेकिन वृषभ के घर में जाके अभी भी पैसा संचित करने के मूड में नहीं आप, और परिवार से मनमुटाव नहीं करिएगा, फिर भी पहले से बेहतर स्थिति है। इसलिए आप ये भी समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है, सप्तम दृष्टि, तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब आपको मैं गुरु की बात करूं तो गुरु की दृष्टियों के कारण माइंड फिर भी फ्रेश रहेगा। विवाह के योग आए हुए हैं तो विवाह के लिए वरवधु का चयन कर लीजिए, 30 अक्टूबर के बाद शादी हो सकती है और शनि निरंतर लाभ, पैसा, केसेस और विवाद स्लो स्लो करके खत्म कर रहा है, लेकिन कर रहा है भाग्यवर्धक संदेश से, फिर भी आपको मिलते रहेंगे, काम काज बनते रहेंगे। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा था शुक्र, अब जा रहा है आगे मिथुन में, अच्छी खबर है, अपने स्वद्वितीय जाना, पैसे लाएगा, परिवार में संचित धन करेगा, खुशियां आएंगी बोलने चलने के काम से, और हर तरफ से आपको एंजॉयमेंट मिलेगी अपने परिवार के साथ। अब यही जो है द्वादश भाव का स्वामी मंगल जो है वो जब तक आपके मिथुन में बना हुआ है 10 तारीख तक, तो आपका मंगल शुक्र जो योग बनेगा उससे लस्ट और साथ साथ में एंजॉयमेंट की स्थिति आपके माइंड में तो रहेगी, लेकिन ये मंगल संचित धन होने नहीं देगा, 10 के बाद ही होने देगा, और नीच का भले होगा लेकिन स्थान बलि होने के कारण ये आपके व्यवसाय से रिलेटेड कई काम बनाता है विदेश और विद इन इंडिया। वैसे द्वादश भाव में बैठे सूर्य गुरु बुध और राहु में से सूर्य जब लग्न में आएगा तो आपको शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और विरोधाभास पर्सनैलिटी में या आपको दुखी होना या तबीयत खराब होना, हड्डियाँ दर्द, इन सब से रिलेटेड परेशानियाँ, सिर दर्द या चोटें लगना, इन सब से बचना पड़ेगा। सरकारी दरबारी कामों में भाग दौड़, इन बातों से बचना पड़ेगा। हालांकि गुरु की दृष्टियों से फिर भी घर का सुख, माता का सपोर्ट बना रहेगा और आपकी तबीयत को भी संभालेगा गुरु, तो इन किन प्रकार आप ठीक तो रहेंगे। फिर भी मैं आपसे हिदायत देती हूँ कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, दुर्गा सप्तशती की आराधना करते रहिए, कामकाज बढ़ा हुआ रहेगा और कामकाज में कोई दिक्कतें आना अभी कम दिखाई देता है। हाँ, बुध की स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसके कारण आपको मानसिक बेचैनी अगर है और धन का अभाव लगता है तो मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। साथ साथ आपके बच्चों को भी ये उपाय आप करवाइए या खुद करिए और उनको भी इसका लाभ दीजिए, और साथ साथ उनकी पढ़ाई, अध्ययन, विद्या के ऊपर खूब ध्यान दीजिए। आजकल वो बहुत बेचैन है और आपका मन भी बेचैन है। वीजा से रिलेटेड काम जो है अब आंशिक रूप से खुलेंगे और आप कर सकते हैं ये काम। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए अजीब सी स्थिति है। देखिए बुध कितने दिनों के लिए मंगल के घर चला गया और मंगल जो है कितने दिनों के लिए बुध के घर में आ गया। अब मंगल जो है निकल रहा है 10 तारीख को, ये आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन तब तक आपको जो है कॉशियस रहना पड़ेगा, तबीयत को संभालिए, बहुत सारी चिड़चिड़, बेचैनी, समस्या, झगड़े, इन सब बातों से बचना है आपको। हालांकि शुक्र की एंट्री बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आपके शुक्र पंचम स्थान के भी स्वामी हैं तो उत्साही रहेंगे आप और एंजॉयमेंट मिलेगी आर्ट मीडिया के काम से, दोस्त साथ निभाएंगे, घूमने फिरने का एक बार फिर से संयोग बनेगा, और साथ साथ आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कामों के लिए पर्सनालिटी अच्छी ज़रूरी होती है, वो भी होगी। अब गुरु राहु सूर्य बुध की जो स्थिति है उसमें से 15 तारीख को सूर्य आगे बढ़ने वाले हैं, तब तक गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के लिए बहुत भाग दौड़, मच मच हो सकती है और बाद में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, तो पैसों को संभाल के रखिए। और विदेश रिलेटेड काम में अड़चने हो तो आप समझदारी से सुलटाइए, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण ये इनके प्रकार ये काम बन जाएंगे। अभी राहु पैसे दे रहा है निरंतर, 30 अक्टूबर तक तो ये देगा, तो थोड़ा रुक जाता है बीच में पैसे देते देते, ये स्थिति बनी रहेगी। और बुध जो है फिर भी मेष में जो अनकंफर्टेबल होने के बावजूद स्थान बली है और पंचम भाव को देखता है, इसलिए बुद्धिमानी बढ़ी हुई है और आपके काम हो रहे हैं। बात करें गुरु शनि की तो गुरु की दृष्टियां आपका उत्साह बनाए रखती हैं, शादी की योग लाती हैं, शादी के लिए वर वधु का चयन होता है, और शनि जो है आपके कार्यों की व्यवस्था, नए नए कार्यों के लिए आपको सुझाव देता है, आपको आइडियाज देता है। चंद्र की स्थिति जब कमजोर होगी
तब पैसों का व्यवहार मत कीजिएगा और जब चंद्र की स्थिति अच्छी होगी तब पैसों का व्यवहार कीजिएगा। कर्क लग्न, आपके लग्नेशन चंद्रमा, मैंने डेट बताई है वीडियो की शुरुआत में, तब आपको पैसों का व्यवहार अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई जोखिम नहीं लेना है और आप उस दिन आराम कीजिएगा। और जिस दिन चंद्रमा उच्च के स्वग्रही होंगे उस दिन आप अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, पर्सनालिटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि उच्च के चंद्रमा आपको इस महीने में, ऐसे तो हर ही महीने में लाभ देते हैं, लेकिन इस महीने में आपको जो है विशेष लाभ भी दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले हैं सूर्य भी लाभ में। और सूर्य लाभ में बैठ के कोई भी ग्रह अच्छा होता है, लेकिन शुक्र के घर में सूर्य है इसलिए बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। याद रखें कि यही गुरु राहु और बुध की स्थिति भी जो बनी हुई है उसमें से आपको गुरु चांडाली योग की वजह से अपने कार्यों को सजग होकर करना पड़ेगा और अपने विरोधियों से सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन जो बुध दशम में होता है वो भले ही मेष का हो लेकिन कार्य करवाता जरूर है, विदेश रिलेटेड काम भी करवाएगा, विद इन इंडिया भी करवाएगा, काम बढ़ेंगे। अपने टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड ना हो तो गणेश जी की आराधना करते रहिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहिए। तबीयत की हर प्रकार से सावधानी शनि ले रहे हैं और शनि महाराज जो हैं ये हर प्रकार से आपको परिवार से फिर भी थोड़ा बहुत अब विमुख जो आप हो गए थे वो नज़दीक लाएंगे, और साथ साथ आपका माइंड जो अभी भी फुल्ली चल नहीं रहा कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए। देखिए राहु है दशम में, टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड काम या नौकरी पकड़ सकते हैं आप। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य की स्थिति जो है एक स्थान बलि होते हुए भी राहु के साथ होना, शनि की दृष्टि का होना, तो आंखों की तकलीफ या हड्डियों का दर्द या बहुत सारा अर्थराइटिस, स्पॉन्डलाइटिस से बेचैनी, या आपको D3 कैल्शियम की कमी, ये सब आप भोग के साथ में कामों में भी व्यत्यय भोग रहे थे। बेचैन सी आत्मा है जो ठीक होगी, दशम में सूर्य आएगा और उसके बाद 15 तारीख के बाद आप काफ़ी अपने आप को आश्वस्त पा सकते हैं, आपके कामकाज बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अभी शनि आपके विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट और व्यवसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट दिलाते हैं, और जो मंगल है जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं वो नीच के हुए जा रहे हैं, तो उससे बचिए आप, क्योंकि झगड़ेबाजी ना करें, माँ के साथ अच्छा व्यवहार रखें, कामकाज जो ऑफर हो रहे हैं उसमें झगड़ेबाजी ना करें। और हालांकि धन की व्यवस्था रखने के लिए शुक्र मौजूद हो रहे हैं और आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम या आपके कोई ऐसे काम जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं और खूबसूरती से रिलेटेड हैं और जो ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो काम में आपको धन आने की पूर्ण व्यवस्था बनेगी। फिलहाल भाग्य भाव में बुध बने हुए हैं और बुध आपको फिर भी बहुत बड़ा लाभ होने नहीं देते, और आगे चल के जब बुध वृषभ में आएंगे तब ये लाभ मार्ग आपके प्रशस्त होगा। फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगी, धार्मिक यात्राओं में आपको आनंद आ रहा है और कामकाज भी बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ही अटक अटक के, तो ये स्थिति को बेहतर करने के लिए आप कीजिए गुरु के उपाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। और साथ साथ आप चंद्रमा की स्थिति जब खराब होगी, शनि के साथ चंद्रमा होंगे, तो विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखिएगा, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा जब उच्च के होंगे तब आप स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं और साथ साथ विदेश रिलेटेड काम स्वग्रही चंद्रमा होने के साथ महालक्ष्मी योग जब मंगल के साथ बनाएंगे तब भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है चंद्रमा की स्थिति का विवरण। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए बुध की स्थिति अजीब सी है, अष्टम भाव में है बुध, साथ में है गुरु सूर्य, बुधादित्य योग तो बना, उससे क्या होगा रोशनी पड़ जाएगी कि तबीयत क्यों खराब है। आपको फिर भी बहुत बेचैनी है अपनी हेल्थ को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, ससुराल पक्ष से बेचैनी, विवाहित जीवन के पार्टनर से बेचैनी, और कई बार ऐसे आपको शादी के योग आके हाथ से निकल गए तो ये भी आपको परेशानी लगती है। लेकिन फिलहाल जो शुक्र की स्थिति शुरुआत में मंथ के होगी काफ़ी दिलासा देगी आपको पैसे के लिए और आपके काफ़ी सारे काम जो हैं कर देगी, आपके भाग्य से रिलेटेड मतलब कुछ नए नए ऑफर्स आ रहे थे तो हो जाएंगे और धन परिवार की मदद से आएगा, संचित धन भी बनेगा, साथ साथ आपके माता के सहयोग से आपके कई सारे काम बनेंगे, प्रॉपर्टी और साथ साथ में आपके वाहन से आपको खरीदना है तो
तो माँ की मदद लीजिए, शायद आपका हो जाए सुख, तो वो बराबर बना के रखेंगी निरंतर। और कार्यों में कहीं पर आप समझ लीजिए आप परेशान तो हैं बुध की स्थिति के कारण, लेकिन फिर भी काम सर पे बहुत है, तो काम कीजिए, तबीयत का ध्यान रखिए और काम करते जाइए। देखिए ऐसा कई बार होता है कि काम बहुत होता है और तबीयत खराब होती है, तो कार्यों को करना चाहिए तबीयत संभाल के। अब चंद्र की स्थिति जब अच्छी होगी, वृषभ के कर्क के चंद्रमा होंगे, तो अचानक से धन लाभ और अचानक से पैसों का आ जाना, विवाद केसेस खत्म हो जाना, नए नए ऑफर्स बन जाना, और चंद्र शनि विषयोग राहु के साथ चंद्र का योग होगा तो तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए आराम कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद ना सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, डर लेने दो, लाज लेने दो। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में आप जा रहे हैं, भाग्य भाव में मिथुन के घर में, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, कार्यों को हाँ बोलिए, यात्राओं पर एंजॉयमेंट के निकलिए, बड़े भाई बहनों से पिता से लाभ पाइए, और साथ साथ आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा होते देखिए, व्यवसाय को फलता फूलता देखिए। मंगल आएंगे दशम में तो एग्रेसिवली काम कराएंगे, लेकिन होता क्या है, नीच का मंगल है, बेकार में झगड़ेबाजी झंझटबाजी, और कार्य पे जो लोग हैं मौजूद उनसे मनमुटाव, विवाहित जीवन के साथी के साथ मनमुटाव सब कार्ड्स पर दिखता है। और सूर्य जब अष्टम में आएंगे तो आपको थोड़ी खबरदारी बरतनी पड़ेगी अपनी तबीयत के लिए, ऐसे में दुर्गा सप्तशती के जाप, महाकाली की आराधना, या आपके लिए शुक्र के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सप्तम में राहु जब पूर्ण रूप से अकेले बने हुए थे तो विवाहित जीवन में खलल, बेचैनी और विघटन तक होने की समस्या थी, अब वो स्थिति नहीं है, अब आपके पहले से विवाहित जीवन बेहतर होंगे, व्यवसाय साथ में करके मिल के करने की बात तो होगी, लेकिन इतना पटरी नहीं खाएगा व्यवसायिक पार्टनर को लेके, तो अकेले कीजिए काम। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी शादी के योग आ गए हैं, मंगनी कर सकते हैं अभी और 30 अक्टूबर के बाद शादी कर सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ बुध की, तो बुध आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह बनता है क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, तो एक बेहतर स्थिति के लिए आप बुध के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वृश्चिक लग्न, लग्नेश मंगल जाने वाले हैं कर्क राशि में, नीच के होने वाले हैं। अब देखिए अष्टम से तो निकल गए, एक प्रॉब्लम खत्म हुई, भाग दौड़, पैसा न आना, इन सब बातों की चिंताएं, विरोधियों का सामना, तबीयत खराब, इनसे बचे तो अब कार्य की चिंता, भागदौड़ है तो क्या है, करो और साथ में अपनी हिम्मत हौसले से गणेश जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना करते हुए आगे बढ़ो। गुरु का शिष्य में बैठना आपको फिर भी काम धंधे पे उसकी दुर्दृष्टि है, उसको आगे लेके जाता है और पैसा भी ला के देता है, ऐसा मत सोचिए कि गुरु शिष्य में बैठ के आपके लिए बुराई कर रहा है। और ये भी देख लीजिए कि मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि सूर्य भी सप्तम में आके आपको लग्न पे दृष्टि डालेगा, तो आप काफी अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे कि आपको करना क्या है, लेकिन नीच का सूर्य हो जाता है सप्तम भाव में, इसलिए विवाहित जोड़ा और व्यवसाय पार्टनर के साथ कोई काम करने की अभी स्थिति नहीं है, खासकर सरकारी दरबारी, और जो नौकरी पेशा वगैरह के लोग हैं वो अभी से फिलहाल 15 तारीख से पहले ही अपनी नौकरी वोकरी का इंतजाम जुगाड़ करें। हालांकि शुक्र अष्टम में आके लस्ट को बढ़ाएंगे, प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, या आपकी ऐसे कुछ कार्य हैं जो आपको विवाहित जीवन के साथ करने हैं तो वो फिर भी थोड़ा सा पुश करेंगे, जिसमें मजा नहीं आपको आएगा क्योंकि सूर्य डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, तो सूर्य हालांकि दशम भाव के स्वामी होते हुए भी आपके विवाहित जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, और इसलिए अपने साथी के साथ बना के रखिएगा।
और फिर भी आपके ससुराल पक्ष का सपोर्ट के कारण कई ऐसे काम जिसमें आप मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनाना चाहते हैं वो आगे बन सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं और आप फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को आश्वस्त पा सकते हैं। बात करते हैं राहु की, तो राहु अच्छा काम करवा रहा है आपसे। षष्ठ में राहु बुरा नहीं होता। केतु जो है द्वादश, वो भी आपको धार्मिक बनाता है, आपके मेडिटेशन वगैरह में ध्यान लगवाता है। शनि चतुर्थ का शश योग बनाता है, प्रॉपर्टी लेने की व्यवस्था है, वाहन लेने की व्यवस्था है और आपके जो मानसिक चयन है उसके लिए आपको जो गुरु का सामर्थ्य नहीं मिल रहा अब, तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या गुरु के उपाय करने चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस महीने में जब चंद्रमा स्वग्रही होंगे तब मतलब आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो आप स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। और उच्च के चंद्रमा रिलीफ देंगे आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ जो आपके संबंध है उसके लिए। स्थिति में जब शनि के साथ चंद्रमा आएंगे तब घरेलू परेशानियां, प्रॉपर्टी से नुकसान, एक दो दिन का जो ये समय होता है थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप करके संभालना चाहिए और माँ की तबीयत को संभालना है। उच्च के चंद्रमा आपको काफी लाभ दे सकते हैं। एकाध दिन में झटके से जो पैसा आता है ना वो आ सकता है। वीडियो की शुरुआत में इन दोनों की स्थिति देखिए चंद्रमा की। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए अब अच्छी जाकर स्थिति हुई। चतुर्थ से निकले गुरु, लेकिन चतुर्थ में गुरु खराब नहीं होता, वो जो गुरु चांदनी योग बनता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, उससे फिर भी माता पक्ष से आपको काफी सपोर्ट। अब गुरु चांडाल योग बना है तो आप गुरु के उपाय कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, हल्दी का टीका लगाएं, केसर का टीका लगाएं या पीली चीजें अपनाएं, केले के झाड़ को पानी दें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ देखिए। और राहु गलत डिसीजन करवाए जा रहे थे उनसे अब थोड़ी मुक्ति मिलेगी आपको। दिमाग पर बड़ा छाया हुआ है काम, लेकिन काम आ नहीं रहा था, ये शुक्र की व्यवस्था के कारण आएगा आप मीडिया से रिलेटेड काम। सूर्य की व्यवस्था अभी 15 तारीख तक जो बनी हुई है उससे भी आंशिक काम आएंगे, तो ग्रैब कीजिए कामों को, खुद से भी तो क्रिएट कीजिए कामों को, वो भी जरूरी है। हिम्मत हौसला शनि बनाए हुए हैं और आपको ये इनके प्रकार आधी अधूरी सही धन की प्राप्ति होगी जरूर, लेकिन ये धन जो है आपको कोशिशों के बाद ही हासिल होगा, इसलिए हिम्मत ना है। चंद्र जब वृषभ के होंगे और कर्क के होंगे तो आराम मिलेगा, तबीयत ठीक होगी, विरोधियों से शांति होगी, ससुराल पक्ष से खूब एंजॉयमेंट मिलेगी और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी खूब चलेगी। बात करते हैं हम बुध की, तो बुध थोड़ी सी बेचैनी दे रहे हैं लेकिन उनके उपाय आप नहीं कर सकते। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए इस पूरे महीने में आप समझ लीजिए धन की व्यवस्था शनि करते हैं, लेकिन कड़वी जुबान ये अभी 2 साल बनी रहने वाली है, इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करके काली की आराधना तो कीजिए, कृष्ण की भी करिए, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बनिए, थोड़ा सा अपने कंट्रोल कीजिए जुबान पर। और अभी फिलहाल उत्साह उमंग ये सब थोड़ा सा डल हुआ पड़ा है, ये जो गुरु की व्यवस्था है ये आपकी तबीयत ठीक करती है, आपके खर्चे भी करवाती है शुभ, लेकिन आपको बेचैन रखती है, लेजीनेस देती है, और इसके कारण आप जो घर में चतुर्ग्रही योग चतुर्थ भाव में जो हो क्या उससे एक एक करके धीमे धीमे मुक्ति पाएंगे। तो अब मंगल जब नीच का होगा ना तब भी आपको काफी राहत महसूस होगी अपने विरोधियों से, हालांकि उनका दमन करके बैठा था वहां। और शुक्र जब मिथुन में आएगा तो आपके कई सारे बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, पैसों से रिलेटेड व्यवहार बना देंगे, कार्य भी बनाएगा शुक्र, और नौकरी से रिलेटेड किसी को मीडिया हाउस में नौकरी चाहिए तो वो मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ चंद्रमा की आपके लिए, तो आपके तो विरोधी ग्रह हैं, फिर भी स्वग्रही चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा आपको आनंद देते हैं विवाहित जीवन में, बच्चों से और मानसिक बेचैनी को खत्म किए देते हैं। कार्य धार्मिक सात्विक करेंगे तो फटाफट बढ़ेंगे, नहीं तो आधे अधूरे छूटते जाएंगे। कुंभ लग्न, लग्न में शनि, एक इक्का मिला हुआ है आपको जो है, और वो इक्का आपके कई सारे काम करवा रहा है, अभी तो 2 साल करवाएगा, अभी बकरी जब तक नहीं होता, अस्त नहीं होता तब तक तो एंजॉयमेंट में रहिए। सूर्य भी काफी काम कराते हैं, गुरु भी कराते हैं और बुध भी कराते हैं,
तो मैं इतनी कुंडलियों में अगर एक कुंडली कुंभ लगन की देखूं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही मज़ेदार कुंडली बनी हुई है। शादी के योग बने हुए हैं, शुक्र आने वाले हैं पंचम भाव में, एंजॉयमेंट की स्थिति माइंड में चाहेगी, कई सारे काम आपके बच्चों से रिलेटेड, वीज़ा वगैरह से रिलेटेड बनेंगे। भाग्य भाव का स्वामी है शुक्र, नई नई योजनाएं बनाएगा, नए नए तरीके बताएगा, मित्रों से सहयोग रहेगा, बड़े भाई बहनों से पिता से सहयोग रहेगा, यात्राओं में मज़ा आएगा और साथ साथ आपके जो नीच के मंगल आएंगे ना वो शत्रु दमन करेंगे। हालांकि गलत तरीके जो है सिखाने वाले भी लोग मिल जाएंगे, तो आप तो सही चल रहे थे लेकिन गलत सलाहों को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। नौकरी के लिए आवेदन भरा है, आगे बढ़िएगा, नौकरी मिल सकती है और धन आने की भी पूरी व्यवस्था आपकी हो सकती है, संचित होने की भी व्यवस्था हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति इस महीने आपके लिए माता से आराम देने वाली, घर में सुख देने वाली और तबीयत अगर खराब थी तो उससे निजात देने वाली, 2 से 3 दिन आप बड़े खुश रहेंगे अगर आपके कर्क के चंद्रमा आ गए, वृषभ के चंद्रमा आ गए। तो चतुर्थ में चंद्रमा को लोग अच्छा नहीं मानते लेकिन मैं अच्छा मानती हूँ क्योंकि चतुर्थ घर चंद्रमा का ही होता है। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए देखिए लग्न से गुरु निकल चुके हैं, अब शादी के योग तो खत्म हो गए लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में जो गुरु आए तो धन की व्यवस्था और साथ साथ में आपके क्या कहते हैं बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह से रिलेटेड व्यवहार, इन सब से आपको फायदा दिलाते हैं और आपके कार्यों को भी सपोर्ट करते हैं। धार्मिक सात्विक कार्य, बोलने चलने, लेक्चर वगैरह देने से रिलेटेड कार्य भी बनते हैं, विदेश रिलेटेड काम बनते हैं। आजकल आप मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह में बहुत रुचि ले रहे हैं, वो भी अच्छा है लेकिन नीच का मंगल आते ही इसे फिर से दिमाग ना घूम जाए, गलत तरीकों से पैसे कमाना, गलत तरीकों से काम करना, ये सब आपके कार्ड्स पे नहीं होना चाहिए। इसलिए शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करते रहें और घर के आराम को एंजॉय कीजिए, माता पक्ष के सपोर्ट को एंजॉय कीजिए पहली तारीख से ही और साथ साथ आपकी तबीयत को भी एंजॉय कीजिए। बहुत दिनों से केतु ने तबीयत बिगाड़ी हुई थी, अब शुक्र ये व्यवस्था अच्छी करते हैं। हालांकि चतुर्थ में शुक्र को बहुत मज़ेदार नहीं माना जाता लेकिन मैं ऐसी स्थिति को कुछ बुरा नहीं मानती। चंद्र की स्थिति जब कर्क में होगी और वृषभ की होगी तो यात्रा पर निकलें, फ़ायदा होगा, पैसे भी मिलेंगे और बच्चों से रिलेटेड जितनी परेशानियाँ हैं वो भी दूर होंगी, कुछ न कुछ उपाय सूझेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा इस महीने के ग्रह नक्षत्रों का। मेन उपाय इस महीने के लिए आप सबको अभी फिलहाल सूर्य को जल चढ़ाना 15 तारीख तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद दुर्गा सप्तशती के जाप, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ या काली के मंदिर विजिट करना या महालक्ष्मी के मंदिर विजिट करना अच्छा रहेगा। साथ साथ शिव जी को जल चढ़ाना, हनुमान जी की प्रार्थना करना, 7 बार हनुमान चालीसा करना आपके लिए उत्तम रहेगा। वैसे हर उपाय हर इंसान को नहीं सुहाता इसलिए मैंने हर राशि के लिए अलग अलग उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जो सबको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। ऐसा रहेगा आपका मई महीना, एंजॉय कीजिए हर महीने को, हर दिन को, हर पल को, हर क्षण को, क्योंकि प्रभु ने जितनी जिंदगी दी है उसको अच्छे से जीना चाहिए, खुश होकर जीना चाहिए। God bless you, take care and goodbye. आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।